हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस अप्रेशी माधुकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ लाइसेंसेस यूज इन एक्सपीरियंस क्लाउड और कंप्यूटर क्लाउड बेसिकली। तो यू नो अबाउट मी, सो लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज आशीष मधुकर, आई एम अ फाउंडर ऑफ यस अप्रेशी मधुकर। सो आई हैव टोटल 8 years सेल्स सर्टिफाइड एंड 2 years को पढ़ो। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेल्स डेवलपर। माई एक्सपर्टीज इन LWC एंड रेस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बात करते हैं कि आज का एजेंडा, तो व्हाट आर द टाइप ऑफ लाइसेंसेस यूज इन एक्सपीरियंस क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। तो आज हम बात करेंगे लाइसेंसेस के बारे में कि अगर कोई भी कंपनी अगर आपको बेसिकली यूज करना चाहता है एक्सपीरियंस क्लाउड, तो कौन कौन से लाइसेंसेस होते हैं और कौन कौन से टाइप के लाइसेंसेस होते हैं हमारे सेल्स फोर्स में, तो उसको हम जानते हैं। तो बात करते हैं सेल्स फोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड, आपको पता है फॉर्मली नोन एज द कम्युनिटी क्लाउड। ओके, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा लाइसेंसेस होते हैं। तो एक तो आपका एक्सटर्नल लाइसेंस, एक्सटर्नल एप्स होता है, कस्टमर कम्युनिटी एंड कस्टमर कम्युनिटी प्लस एंड पार्टनर कम्युनिटी एंड चैनल का अकाउंट। तो ये सारे जो आपको लाइसेंसेस होते हैं, ये आपका यूज होता है सेल्स फोर्स में। तो एक्सटर्नल ऐप बेसिकली यूज होता है कि जैसे कि अगर आप कोई भी, जैसे कोई कंपनी है जो ऐप एक्सचेंज प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है जो आपका मतलब कम्युनिटी क्लाउड पे वर्क करता है। वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद तो वो सारे जो एप्लीकेशन जो आपके बेसिकली लाइसेंस होता है, तो लाइसेंस बाय करना होता है एक्सटर्नल एप्स। ओके, तो अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल ऐप, तो आपका कस्टम डिजिटल एक्सपीरियंसेस टू एंगेज एनी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग ब्रांड एंगेजमेंट एंड कस्टमर लॉयल्टी, लिमिटेड एक्सेस टू CRM ऑब्जेक्ट्स, द एक्सटर्नल ऐप लाइसेंस कैन बी यूज विद द पर्सन अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी लिमिटेड ही अकाउंट मतलब ऑब्जेक्ट CRM के ही उनको एक्सेस होता है, जैसे अकाउंट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, लीड हो गया, तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नॉर्मली बस उनको एक्सेस होते हैं। तो अनकंपेरेबल विस पोर्टल लाइसेंस, तो इसका हाई वैल्यू कस्टमर पोर्टल सर्विस क्लाउड पोर्टल ऑथेंटिकेटेड साइट एंड पोर्टल। ओके, देन बात करते हैं हम अपने कम्युनिटी कस्टमर कम्युनिटी। तो इसका बेस्ट यूज क्या है, बिजनेस टू कस्टमर एक्सपीरियंसेस विद लार्ज नंबर ऑफ कस्टम एक्सटर्नल यूजर्स हु नीड एक्सेस टू केस ऑब्जेक्ट और नॉलेज, द कस्टमर कम्युनिटी कैन यूज विद द पर्सन अकाउंट। तो बेसिकली जो कस्टमर कम्युनिटी होता है, उसके लॉगिन एक्सेस ही हमारा पर्सन अकाउंट से स्टार्ट होता है। तो मतलब जैसे जो पर्सन अकाउंट आप इनेबल करना होता है, तो यहाँ पे पर्सन अकाउंट जब इनेबल होता है तो आपका अकाउंट एंड कॉन्टेक्ट लगभग सेम कंबाइंड हो जाता है। तो उस पर्सन अकाउंट को आपको इनेबल करना पड़ता है, लाइक कस्टमर यूजर या आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस लॉगिन यूजर, तो आपका लॉगिन होता है कस्टमर के लिए। तो इसमें आपका अकाउंट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया और केस ऑब्जेक्ट हो गया, नॉलेज आर्टिकल, ये सारे एक्सेस मिलते हैं कस्टमर्स को। ओके, देन कंपेरेबल पोर्टल लाइसेंस हाई वैल्यूम कस्टमर पोर्टल सर्विस क्लाउड पोर्टल ऑथेंटिकेटेड साइट पोर्टल। ओके, देन बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट कस्टमर कम्युनिटी लाइसेंस प्लस। तो प्लस में थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है कि बिजनेस टू कस्टमर एक्सपीरियंस विद एक्सटर्नल यूजर हु नीड एक्सेस टू रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड एंड नीड्स स्टैंडर्ड शेयरिंग, द कस्टमर कम्युनिटी प्लस कैन बी यूज विद द पर्सन अकाउंट। तो जैसे कि हो सकता है किसी यूजर को कुछ प्लस एक्स्ट्रा एक्सेस चाहिए होता है, जैसे रिपोर्ट हो गया, डैशबोर्ड हो गया, अकाउंट कॉन्टेक्ट होता ही है, तो अपॉर्चुनिटी की भी एक्सेस चाहिए, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी का एक्सेस नहीं आता है, तो प्लस में आपको अपॉर्चुनिटी की एक्सेस मिल जाती है, लीड का भी एक्सेस मिल जाता है। ओके, देन बात करते हैं कंपेरेबल पोर्टल। तो कस्टमर पोर्टल इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टमर पोर्टल मैनेजर स्टैंडर्ड, कस्टमर पोर्टल एंड मैनेजर कस्टमर। ओके, देन बात करते हैं लाइसेंसेस आपके पार्टनर कम्युनिटी। तो पार्टनर कम्युनिटी का जो लाइसेंस एक नॉर्मल होता है पार्टनर कम्युनिटी, जो उसको यूज करते हैं बिजनेस टू बिजनेस
एक्सपीरियंस दैट नीड एक्सेस टू सेल्स डेटा सच एज द पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट द पार्टनर कम्युनिटी कांट बी यूज विद द पर्सन अकाउंट। तो जो भी पार्टनर अकाउंट होता है वो आपका उसके अकाउंट के साथ यूज नहीं होता है। तो जो अकाउंट क्रिएट होता है यूजर्स उसमें आपका पोर्टल करके एक चेक बॉक्स होता है, तो आप उसको पार्टनर आप जैसे ही आप करोगे वो पार्टनर एक्सेस मिल जाता है। तो इसको हम बिजनेस टू बिजनेस यूज करते हैं, जैसे कि आप कोई वेंडर है आप उसको कोई या कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर है आप उसे अपना अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, तो वो चाहता है कि जो आपने सप्लाई किया है उसका क्या स्टेटस है, क्या उसके रिपोर्ट्स कितनी डिमांड भी जनरेट हुई रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड सारे चीजें का एक्सेस देते हैं। ओके कंपेरेबल पोर्टल लाइसेंसेस की बात करते हैं तो गोल्ड पार्टनर यहाँ मिल सकता है। ओके देन बात करते हैं चैनल अकाउंट। तो बिजनेस टू बिजनेस साइट एंड पोर्टल दैट कैलकुलेट देयर यूजेज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर इंस्टीड ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूजर। तो ये भी जो आपका कंपेरेबल पोर्टल होता है गोल्ड पार्टनर होता है। तो चैनल अकाउंट जैसे इसमें चैनल अकाउंट की बात करें तो जो चैनल अकाउंट होते हैं उसमें मल्टीपल चैनल अकाउंट लाइसेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर अब मैं बात करूँ तो उसमें गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर एक करके लाइसेंस चैनल होता है जो कम्युनिटी यूजर को असाइन होते हैं, तो उनके बेसिस पे ऑटोमेटिक उनको एक्सेस दिया जाता है। ठीक है तो अगर आपको लाइसेंसेस देखने हैं कि जैसे कि आपकी कोई भी कंपनी अगर काम कर रहा है तो उसको लाइसेंसेस चेक करने हैं कि कौन कौन से लाइसेंस कितने मिलते हैं। तो सेल्स डेवलपर ऑर्ग में आपको हर लाइसेंस का पांच पांच लाइसेंस मिलता है। ओके तो हम चलते हैं अपने सेल्स फोर्स ऑर्ग में और दिखाते हैं आपको वो सारे लाइसेंस कैसे हम चेक करते हैं। तो हम अपने सेल्स फोर्स ऑर्ग में हैं और आपको टाइप करना है, सेटअप पे आना है, सिंपल सेटअप में आने के बाद आपको टाइप करना है कंपनी इन्फॉर्मेशन करके। इस कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको सारे लाइसेंसेस आपको मिल जाता है कि कौन कौन से लाइसेंस आपके ऑर्ग में है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जैसे जो सेल्स फोर्स लाइसेंस होता है तो डेवलपर ऑर्ग में आपको दो ही लाइसेंस दिया जाता है। एक्सटर्नल ऐप लॉगिन जो मैंने आपको बताया उसके एक्सेस आपका 20 है इसमें। ओके एंड इंटीग्रेशन के देखिए आपके पास एक है, प्लेटफॉर्म यूजर के आपके पास तीन है आपके पास, तो जितने यूज्ड है या रिमेनिंग है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपके कस्टमर कम्युनिटी लॉगिन। तो जो कस्टमर कम्युनिटी लॉगिन के नाम से इसमें होता है जो टोटल पांच लाइसेंसेस है। ओके एंड बात है कस्टमर कम्युनिटी प्लस, तो इसमें भी हमारे पास पांच लाइसेंसेस है। और लाइसेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गोल्ड पार्टनर लाइसेंस है, ये देखिए ये भी तीन लाइसेंस है जो मैंने आपको बताया उसके लिए। और बात करें तो पोर्टल पार्टनर कम्युनिटी, तो पार्टनर कम्युनिटी के पांच लाइसेंस है, पार्टनर कम्युनिटी लॉगिन के भी हमारे पास पांच लाइसेंसेस है, और कस्टमर कम्युनिटी जो बेसिक होता है उसके भी हमारे पास पांच लाइसेंसेस है। ठीक है तो ये सारे लाइसेंसेस हम यूज करते हैं अपने डिजिटल एक्सपीरियंस साइट के एक्सेस के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास और अदर लाइसेंसेस भी होते हैं, सिल्वर गोल्ड और ठीक है आइडेंटिटी, ये सब लाइसेंस है जो यूज करते हैं बेसिकली। ओके एंड अगर आपको और इसमें देखना है तो सो मोर पे करोगे तो आप सारे लाइसेंस जो भी है चैटर लाइसेंस हाई वैल्यू कस्टमर पोर्टल ये सारे लाइसेंसेस होते हैं। ओके अब देखिए परमिशन सेट जो भी होता है आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन कौन से परमिशन सेट है। फीचर लाइसेंस जो होते हैं यहाँ पे दिख रहा है, यूजेज बेस्ड लाइसेंस भी आपको यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लाइसेंस आपके पास है। तो सारे एक्सेस आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है आपके कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर। ओके तो ये था हमारा लाइसेंस डिस्कशन अबाउट द कम्युनिटी क्लाउड। तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कैसे हम अपने डिजिटल एक्सपीरियंस साइट को इनेबल करेंगे और कैसे डोमेन सेटअप करेंगे और डोमेन फाइंड कैसे करेंगे और डोमेन चेंज भी करना हो तो कैसे चेंज कर सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।